सर आपको फॉलो कर से 1.5 महीने हो गए सर, मोटिवेट हुआ हूँ, बहुत हेल्प मिली मेरे को, इसलिए तो हमें यहाँ मास गया लिया था। तो वो खाया 15-20 दिन, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जिम बंद हो गई जी, तो वो छोड़ दिया मैंने जी। तो घर पड़े पड़े मतलब खेलता कूदता था तो वजन घटता ही चले गया सर, 9-10 किलो वजन घट गया मेरा। तो उसके बाद मैंने टेबलेट मंगाई थी 650 रुपए की, 1 महीने खाया मैंने जी, 2 किलो वेट गेन हुआ मेरा, से मेरे चेहरे पर पिंपल हो गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम के काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हमारे साथ हैं भोला जी जो कि स्पेशली आए हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, पलवल हरियाणा, सप्लीमेंट्स विला पर। इतनी दूर से भाई आए हैं इतना विश्वास लेके, सबसे पहले भाई का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोला जी। दोस्तों यहां पर ये स्टोरी बहुत ज्यादा सीखने लायक है, काफी बार आप मेरे पास पिक्चर्स भेजते हैं कि ये फार्मेसी वो फार्मेसी, ये दवा खाने की गोली वो दवा खाने की गोली, और आप कहते हैं कि इससे वजन बढ़ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट देखिए वो देखिए। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप भी जो है अगर आपको थोड़ा कम इस बारे में पता है कि यार ऐसी कुछ चीज होती है नहीं होती, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लें जिनको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, कि क्या कोई ऐसी गोली कोई ऐसी दवाई बनी है सच में जो पतले को मोटा कर दे? अगर ऐसी कोई बनी होती और 500-600 रुपए में वो आ जाती है तो यार मेरे हिसाब से इस पूरी पृथ्वी लोक पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पतला ही ना होता अगर ऐसी कोई गोली ऐसी कोई दवाई बनी होती। दोस्तों बचो इस फेक माफिया से, ये आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो आपको पतले से मोटा मोटे से पतला कर दे। अगर ऐसा कुछ सामान ऐसा कोई चीज ऐसी कोई दवाई ऐसा कोई पाउडर ऐसी कोई गोली बनी होती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे वालों को तो फिर हेल्थ इश्यूज होते ही नहीं, वो तो बेचारे अगर जो है खा खा के अपना मोटे हो जाते और फिर उस गोली को खा खा के पतला हो जाते और पतले वाले गोली खा के मोटा हो जाते, सेहत बना लेते, फिट हो जाते। तो दोस्तों बचना है इस तरीके के आपको एड से, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, यही एक्सपीरियंस लेके आए हैं भोला जी। और सबसे पहले मैं भाई का एडवांस में ही धन्यवाद करता हूं कि भाई ने ये वीडियो बनवाने के लिए एग्री हुए, क्योंकि हम सप्लीमेंट्स विला फैमिली हैं, अब जब एक दूसरे के साथ आएंगे एक दूसरे की स्टोरीज जानेंगे तभी हम इस फेक माफिया से बच पाएंगे। ऐसा थोड़ी करना है कि यार हर कोई पहले सीख लेगा, पहले ठोकर खाएगा, फिर उसके बाद में सुधरेगा वो, ऐसा होगा तो दोस्तों फेक माफिया को हम हरा नहीं पाएंगे। तो भाई का इंट्रोडक्शन लेते हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया स्टार्टिंग में ही, बाकी बातें हम जो है बाद में भी करेंगे, वीडियो थोड़ी सी में भी लंबी जाएगी इस बार जी। भाई सर मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम भोला है जी, और मैं आपके पास आरसी किंग मास्क गेनर लेने आया हूँ जी। बोला जी पहले ये बताइए सप्लीमेंट्स विला के बारे में कैसे पता लगा, कब से फॉलो कर रहे हैं? सर आपको फॉलो कर से 1.5 महीने हो गया मेरे, 1.5 महीने हो गए। आपको वीडियो से हेल्प मिली है? सर मोटिवेट हुआ हूँ, बहुत हेल्प मिली मेरे को, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ जी। और बोला जी क्या हुआ था लास्ट टाइम आपके साथ बताइए? सर 3-4 महीने पहले मैं जिम करता था, जब मैंने मास गेनर लिया था तो वो खाया 15-20 दिन, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जिम बंद हो गई जी, तो वो छोड़ दिया मैंने जी। तो घर पड़े पड़े मतलब खेलता कूदता था तो वजन घटता ही चले गया सारा, 9-10 किलो वजन घट गया मेरा जी। तो उसके बाद मतलब जितना बढ़ा नहीं था उतना घट गया, घट गया सर जी। तो उसके बाद मैंने टेबलेट मंगाई थी 650 रुपए की, 650 रुपए की टेबलेट हाँ जी। उसको 1 महीने खाया मैंने जी, 2 किलो वेट गेन हुआ मेरा। अच्छा और क्या हुआ था उससे? उससे मेरे चेहरे पर पिंपल हो गए। पॉजिटिव और क्या हुआ था? गेन हो गया और भूख, भूख बढ़ी थी पर उसको छोड़ने के बाद भूख नहीं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग बताओ, जब आप उसे ले रहे थे तब आपका वेट भी गेन हो रहा है और भूख भी बढ़ रही है? भूख बढ़ रही है। और कितनी भूख बढ़ी? सर ज्यादा तो कुछ नहीं बढ़ी पर ये 4 रोटी खाता तो 2-6 रोटी खा रहा हूँ, दिन में खाता रहता था, खाता रहता, मतलब वो इजिली डाइजेस्ट हो रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ जी छोड़ने के बाद? छोड़ने के बाद ये सर जहाँ मैं पहले 4 रोटी खाता था 2 रोटी खा रहा हूँ शाम को, 2 रोटी सुबह को, और बीच में खाना पीना बंद जी, मैं पड़ा भूख ही नहीं लगती जी, खाने का मन करता है पर वापस आ जाते हैं, वापस आने लगता है, ऐसे लगता है कि उल्टी हो रही है, उल्टी हो जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि आपका जो ये भूख बढ़ी थी वही आपने दवाई ली, वो जो भी गोली आप बता रहे हैं वो ली आपने, आपकी भूख बढ़ गई तो जब आपने वो छोड़ी तो भूख डाउन हो गई, तो जितनी आपकी नॉर्मल थी उससे भी डाउन हो गई? उससे भी डाउन होगी सर, पता तो पहले 4 रोटी खाता था, दो रोटी सुबह शाम, पहले 8-10 रोटी खाता था, तो 4 रोटी खा रहा हूँ पूरे दिन में। और पिंपल्स हुए वो अलग? वो पिंपल्स देख ही रहोगे आप, ये सारे पिंपल्स उसी के ही हैं? हाँ उसी के ही जी। और अब कितने दिन हो गए छोड़े वो उसे? 15-20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 15 दिन
तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाई की बात आपने सुनी, भाई आपको बता रहे हैं कि उस गोली से पहले जो है इनकी जो है एक्सट्रीम लेवल पे जो है भूख बढ़ी, उसके बाद जब इन्होंने वो गोली छोड़ी देन भूख जो नॉर्मल लेवल था उससे भी डाउन गई। यही होते हैं इन टैबलेट्स को लेने के साइड इफेक्ट्स, क्योंकि दोस्तों ये टैबलेट्स अननेचुरल तरीके से फोर्स क्रिएट करती हैं, फोर्स डालती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर। इनमें बहुत सारी दवाइयां, केमिकल, स्टीरॉइड्स टाइप में कुछ मिला रहता है जिससे हमारी भूख अननेचुरली इंक्रीज होती है, और उसके बाद जब आप छोड़ते हैं तो भूख जो है आपके नेचुरल लेवल से भी डाउन जाती है। तो ये बिल्कुल घटिया और नकली, बिल्कुल जहर मैं कहूँगा इन सप्लीमेंट्स को। तो भाई के सामने लाइव रिव्यू देख रहे हैं और ये पूरे फेस पर पिंपल्स जो है भाई को आपको दिख भी रहे होंगे, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल भाई बता रहे कि पहले बिल्कुल फेस जो है वो क्लियर था और अब बिल्कुल पूरा पिंपल से भरा हुआ है। यार ऐसे जो है ना, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट से इस तरीके के, और वो 650 रुपये में, यार वही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 650 रुपये में क्या कोई ऐसी गोली बनी है जो रियलिटी में आपकी जो है इतना, मतलब जो आपको गेन करा देगी उसके बाद में। मतलब आप खुद अपना दिमाग लगाओ यार, सोचो आप इस बात को। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 650 रुपये की अगर 1 किलो किशमिश ले आते ना वो बेटर रहती यार, चाहे आधे किलो वजन बढ़ाती, अपने 650 रुपये का आप जो है नॉर्मल कोई सत्तू ले आते यार, चने और जौ का सत्तू ले आते, वो वजन बढ़ा देता आपका। आप 650 रुपये में यार बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप आधा किलो बादाम ले आते, आधा किलो काजू ले आते, आप 650 रुपये का दूध पी लेते, वो आपको बेनिफिट करता है यार। ये आपने 650 रुपये भी पानी में डाल दिए, ऊपर से भाई को देखो ये क्या हो गया है, फेस पे पूरा भरा हुआ है। तो बचो यार इस तरीके से, और जब लेते हैं ना इनको तब मजा आने लगता है। तो दोस्तों देखो ये स्टोरी भोला जी शेयर कर रहे हैं इसीलिए ताकि आप सब लोगों के साथ ये ना हो जो इनके साथ हुआ। बाकी अब जो भी भाई के साथ हुआ उसके लिए मतलब मुझे बेहद दुख है, पर अब सप्लीमेंट्स विला फैमिली से जुड़ चुके हैं, फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सप्लीमेंट्स विला फैमिली को ग्रोथ कराइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सब बढ़ सकें और एक मजबूती के साथ खड़े हो सकें। अगर मैं सोचूं अकेला लड़ पाऊंगा इस फेक माफिया के अगेंस्ट, इम्पॉसिबल यार, बहुत बड़ा है ये और बहुत बड़े हाथ हैं इनके, ना मैं अकेला इनसे पंगा ले सकता, ना आप अकेले पंगा ले सकते। अगर हम खड़े रह सकते हैं इनके अगेंस्ट, पंगा लेने का मतलब हम फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हम अवेयर हो जाएं, हम खड़े रहें इनके साथ मजबूती के साथ, इनके बीच में आपके और सप्लीमेंट विला के मजबूती की दीवार जो खड़ी है, सप्लीमेंट विला की जो दीवार खड़ी है वो आपके और फेक माफिया के बीच में खड़ी हुई है, उसको मजबूत करना है आपको, फैमिली को ग्रोथ कराना है। अब हम जानते हैं भोला जी ने क्या लिया है और अब ओरिजिनल मिला है नहीं मिला, क्या उसके रिजल्ट होंगे, वो सारी चीजें भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो भोला जी अब क्या लिया है आपने, और सबसे पहले मुझे बताओ कि अब डाइजेशन आपका ठीक है? हाँ सर अब तो ठीक है, नॉर्मली नॉर्मल आ गया है। ठीक है, तो अब आपने क्या लिया है मुझे बताइए। दोस्तों भाई ने लिया है RC किंग मास, जो कि मैं कहूंगा कि एक तरीके का मतलब लीन मास गेनर है, मतलब मसल साइज पे अच्छा खासा फोकस रखेगा, वजन भी बढ़ाएगा साइड बाय साइड। तो भाई ने लिया है RC किंग मास, और दूसरी चीज भाई ने ली है लबराडा क्रेटीन। वैसे किंग मास में भी क्रेटीन है, बट यहां मेंशन नहीं कि वो कितना क्रेटीन है। बाकी हमको जो है अगर हम आइडियल क्रेटीन इंटेक की बात करें तो हमको 5 से 6 ग्राम तक का क्रेटीन लेना चाहिए पर डे, अगर थोड़े अच्छे रिजल्ट हमको चाहिए। तो ये दो चीज भाई ने ली है जो कि मिली है 100% ओरिजिनल, करंट इंपोर्ट टैग, फ्रेश लॉट है बिल्कुल। दोस्तों अब यहां पर जो है ना ओरिजिनल सप्लीमेंट्स भाई ने लिए हैं। मैंने भोला जी को पहले समझा दिया कि यार देखो डाइट अगर लोगे ना तो रिजल्ट आएगा, और अगर डाइट ना लोगे ना तो भाई रिजल्ट फेल, कोई रिजल्ट नहीं। आपने जितने भी, मैं पहले आपको बता रहा हूं और क्लियर बता रहा हूं कि जितने भी पैसे आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो सारे आपको बाद में, मतलब मैं कहूंगा कि दुख होने वाला है यार मेरे को रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि यार हम सब आम आदमी है, हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम चाहते हैं कि रिटर्न मिले हमें। तो यही आपको समझाने की कोशिश है मेरी कि डाइट को बेस समझें, और वो बेस है भी हमारा, अगर बेस हिलाना तो सप्लीमेंट वप्लीमेंट कोई संभाल नहीं पाएगा आपको। तो पहले आपने बेस को स्ट्रांग रखो, देन उसके बाद अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये RC किंग मास लिया है भाई ने, ओरिजिनल मिला है। अगर अभी करंट सेलिंग प्राइस की बात करूं, अभी ऑथराइज इंपोर्टर है इसके अरीना, GMC भी है, बट GMC के पास जो है RC किंग मास अभी आउट ऑफ स्टॉक है, और अरीना का जो है RC किंग मास अवेलेबल है। सप्लीमेंट्स विला पर MRP दिया हुआ है 4,999, पर सप्लीमेंट विला पर सेलिंग प्राइस 3850। यहां पर जो है लबराडा क्रेटीन भाई को मिला है MRP 699, सप्लीमेंट विला पर सेलिंग प्राइस है इसका सिर्फ 650 रुपए। दोनों ही भाई को ओरिजिनल मिले हैं विद GST बिल, और यहां पर जो है भाई को मिला है ये GST बिल, जिसके ऊपर सप्लीमेंट विला का GST नंबर, FSS लाइसेंस नंबर, स्टैंप, सिग्नेचर, सारी चीजें मेंशन है। देखिए GST बिल नो डाउट यहां 18% टैक्स तो जाता है, पर देखो जहां सेहत का सवाल आए ना वहां मैं आपसे क्लियरली कह रहा हूं कि 18% मत देखो,
यार देखो अगर मैं यहाँ पर भाई के बिल में बात करूँ तो नो डाउट यहाँ पर जो है भाई ने ऑलमोस्ट 500-600 रुपए का टैक्स पे कर दिया है। देखो एक चीज समझो आप कि जब आप कोई गाड़ी कोई बाइक कोई एसी कोई फ्रिज खरीदने के लिए जाए ना वहां पैसे बचाने की सोच लेना यार, सेहत का सवाल है। जिस शरीर से कमा रहे हैं, जिस शरीर के लिए कमा रहे हैं, जिस शरीर से सब कुछ है, उसी के मामला मतलब उसी का मामला आए और आप जो है पैसे बचाने की सोचें और फेक खा लें और नुकसान उठा बैठे, भैया उससे बेटर है कि ओरिजिनल लो, 500-700 रुपए एक्स्ट्रा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आपको साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। बहुत सारी स्टोरीज डाली है मैंने, तो यहाँ पर नो डाउट भाई ने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है। ये है ओरिजिनल जीएसटी बिल के दो फायदे। पहली चीज आप एक चीज समझो कि ये इंपोर्टर्स हैं, कि आपको क्या लगता है ऐसा होता होगा कि जैसे यूएसए का ब्रांड है ये, तो यूएसए से इंपोर्टर ने बोल दिया अपने दोस्त को कि यार तू आ रहा है फ्लाइट से तो 2-3 डिब्बे डाल रही हो मेरे को सेल करने हैं, आपको लगता है ऐसा कहता होगा? लाखों की क्वांटिटी में आते हैं ये शिप के शिप आते हैं, कंटेनर के कंटेनर आते हैं यार, आपको लगता है बिना ड्यूटीज क्लियर किए एंटर कर सकते हैं इंडिया में? तो आप थोड़ा दिमाग से सोचिए, जब इन पे ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह सब कुछ है तो विदाउट जीएसटी नहीं मिल सकते, फेक ही है वो। और दूसरा फायदा जीएसटी बिल का यार, एटलीस्ट देखो आप एक लीगल एक्शन लेने का आपके पास राइट तो आ जाता है, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, किसी भी तरीके का लीगल एक्शन। अगर आपको कोई नकली सप्लीमेंट देता है या कुछ भी करता है तो आप जो है लैब टेस्ट करा सकते हैं, कंप्लेंट करा सकते हैं, बहुत सारे लीगल एक्शन है। अब ऐसा तो है नहीं किसी ने नकली सप्लीमेंट दिया आप उससे फिजिकल फाइट करेंगे, वही वो तो करने से रहे हम, पर एटलीस्ट लीगल एक्शन तो रहेगा। तो ये दो फायदे होते हैं सप्लीमेंट्स का जीएसटी बिल लेने से, और ओरिजिनल सप्लीमेंट विदाउट जीएसटी बिल नहीं मिलते हैं। मैं जानना चाहूंगा भोला से, वैसे तो बोला जो है आप पता ही है आपको पहले से जो है पता मतलब एक्सपीरियंस कर चुके हैं फेक माफिया, पर फिर भी जाना चाहूंगा भाई ने एक्स्ट्रा जो है टैक्स पे कर दिया है जो कि गवर्नमेंट को जाना है, एट दी एंड हमारे काम आना है, क्या फर्क पड़ा, क्या सच में फर्क पड़ता है? बोला जी सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब अपनी सेहत का सवाल हो तो क्या होता है 500-600 रुपये तो आप फिर भी यूँ उठा देते, पर समझता हूँ कि महत्व होते हैं पर यूँ उठा भी देते, दोस्तों में पार्टी कर देते हो, इसे कुछ नहीं होता है 500-600 रुपए से। जी जी सेहत का सवाल आता है तो जब सर। जी तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाई इतनी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं आपको, रियलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी वैसे मैं बताऊं भैया, मैं भी आम आदमी हूँ, 500 का नोट ना मेरे को भी मैटर करता है और हर किसी को करता है यार, क्योंकि वो भाई ऐसे तो है नहीं हम कि भैया चांदी का चम्मच है हमारे मुँह में, यहीं से अर्निंग्स करनी है, यहीं पर खर्च करना है, तो भैया 500 का नोट मैटर करता है। पर दोस्तों मैं भी सलाह यही दूंगा कि जहां पर सेहत का सवाल आए ना, चाहे वो एसी की बात नहीं कर रहा, सप्लीमेंटेशंस की, जहां भी कोई सेहत वाली चीज आए, जो खाने पीने की चीज आए, वहां पर आप जो है क्वालिटी वाइज थोड़ा देखें, पैसे को ना देखें। तो दोस्तों यहां पर जो है भाई ने लिया है कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक जो कि ओरिजिनल मिला है सप्लीमेंट्स विला से। तो भाई ने वीडियो बनवाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद बोला जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट से। और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स चाहिए तो supplementsvilla.com अब स्टार्ट है, वहां पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सारी सुविधाएं अवेलेबल है आपके लिए, बाकी कॉल और व्हाट्सएप वाला पुराना मेथड तो हमारा चलेगा ही चलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फेक माफिया से बचिए, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट विला को याद रखिए। नमस्ते।